अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपना नाश्ता। अभी अभी हम उठे हैं, आपको हमारे फेस से तो लग ही रहा होगा कि अभी अभी हम उठे हैं। तो अब हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे नाश्ता, नाश्ते में हम क्या खाते हैं वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। और आज हम क्या खाने लगे हैं, एक बहुत ही मज़ेदार चीज़। और देखते हैं कि जी मिसिज अली क्या कर रही हैं। आप क्या कर रही हो? चलो थोड़ी सी अपनी शक्ल जो है वो बेहतर कर लूं, अभी भी उठे हैं। तो आज हम आपके साथ अपनी नाश्ते की रूटीन शेयर करेंगे कि नाश्ते में हम लोग क्या खाते हैं। हिरन का गोश्त खाते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, मुर्गाबियां खाते हैं और हमारे शुतुरमुर्ग भी कभी कभी खा लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सादा सी रूटीन है हमारी। तो चलते हैं, हम फिर नाश्ता करते हैं, शेयर करते हैं और फिर चलते हैं। रोटी वगैरह बनाते, बड़ी भूख लग रही है, फिर चल के बाद में मिलवाते हैं मेहमान से जिससे। चलें जी किचन में चलते हैं। ये अमल है, अमल टैबलेट यूज करती है सुबह उठ के और इसका टेडी बेयर इसके पास होता है। अमल इधर देखो, आए करो, तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? अमल अच्छा चलो ठीक है, ये देखे टैबलेट यूज कर रही है। हाय करो ना अमल, चलो थैंक यू। बातें तो कर ले, चलो ठीक है, ऐसे करो। हेलो, कहो मेरा नाम गुगु है। गुड। तो चलें किचन में चलते हैं फिर। आर यू रेडी? हाँ चलें। चलो तो ये अम्मी ने ये राइस बनाए थे आलू वाले। अम्मी को बहुत पसंद है आलू वाले राइस, तो अम्मी के फेवरेट हैं और अम्मी ये राइस बहुत शौक से खाती हैं। तो एक और सालन बनाया है अम्मी ने, वो भी हम सब का फेवरेट है। क्या पकाया वैसे आज? हाँ ये सब्जी बनाई है आलू गोभी, और ये बहुत ही मज़ा आता है सुबह नाश्ते में, आपको पता है आलू गोभी खाने से। तो चलो फिर स्टार्ट करो ना। तो अब रोटियां बनने स्टार्ट हो गई हैं। और कितनी रोटियां बनाओगी? जितनी खानी है। मैं तो 12 खाऊंगा, 12 नाश्ते में और 12 दोपहर में। नाश्ता हैवी ही करना चाहिए। हाँ 12 की वो होती है ना, आपके पूरे दिन का आगाज होता है तो कहते हैं नाश्ता। हाँ नाश्ता जो है ना वो करना चाहिए, हैवी करना चाहिए। अक्सर जो लोग डाइट वगैरह करते हैं ना वो हैवी नाश्ता नहीं करते, तो उससे होता ही है कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म आपको पता है स्लो हो जाए तो फिर वैसे ही आप पतले नहीं होते जितनी मर्जी डाइट कर लो। एंड यू लुकिंग वेरी गॉर्जियस, थैंक यू, ड्यूरिंग मेकिंग चपातीज। This is called real beauty, natural beauty. कई लोग परेशान ही ना हो जाए कि कहीं फेक है या रियल तरीफ। रियल है जी, रियल है। और क्या क्या होगा, चाय भी होगी साथ? मैं तो नाश्ते में चाय के बिना नहीं रह सकती। चाय के बगैर के रोटी हजम नहीं होती? नहीं, अंदर नहीं जाती। मैं ना चाय के बिना जी नहीं सकती। अगर नाश्ते में मुझे चाय ना मिले ना तो मैं खुदकुशी कर। खुदकुशी आराम होती है, चाहे मैं बना दूंगा जिस दिन अगर कोई ज़्यादा मजबूरी हुई तो। और घी घी कम लगाना यार, पहले मैं स्मार्ट हो रहा हूँ, ऊपर से घी लगा दो। चलें जी अब हम नाश्ता बना लें, इजी हो गए, और मैं हेल्प करवा लूँ थोड़ी सी बेगम की, तो फिर उसके बाद मिलते हैं जी। पराठे और ये है आलू गोभी, ये चाय है, चाय तो मस्त होती है नाश्ते में। ये चने हैं और ये नान है, और इनको तो आप जानते ही हैं। और ये है जी वो शाहकार जिसका इंतज़ार था, इसका नाम मोहम्मद अरहम है, इससे मिलिए। ये भी कह रहा है मुझे नाश्ता करवाओ, खाता कुछ भी नहीं। हाँ तो अब हम जी नाश्ता करने लगे हैं, तो नाश्ते को हम स्टार्ट करते हैं। तो नाश्ता जो है वो हमने कर लिया, लेकिन इनके साथ अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ आपके साथ? मिर्ची खा ली थी, मिर्च मुंह में आ गई थी। हाँ इन्होंने हरी आ गई थी मुंह में, इन्होंने हरी मिर्च खा ली, और जब भी हरी मिर्च खा लेते हैं इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता बहुत अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़ा आया। तो अच्छा बड़ा मज़ा आ रहा था जब मैं खा रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन एकदम से वो मुँह में मिर्च आ गई। अब कैसा फील हो रहा है? अब थोड़ा काम में जलन वगैरह। तो जी
नाश्ता हो गया, मिर्चें लगी हुई थी, मिर्च का असर भी ख़त्म हो गया, और ये है वो एक प्यारा सा बच्चा जिससे मिलवाना था, जिससे तो आपको मिलवाना था। इसका इस नाम? बच्चे ने हमारी नींदें हराम करके रखी हुई हैं और अभी इतना तंग करता है कि हम बता नहीं सकते हैं ना अरहम। इसका नाम है मोहम्मद अरहम। मोहम्मद अरहम ये बहुत शरारती बच्चा है, बहुत ज़्यादा। ये अपनी मम्मा पे तो नहीं चला गया? क्यों, मैं कौन सी शरारती करती? तो बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है। करता क्या है, ये जो लाइटें होती स्विच होते हैं इनको बहुत ज़्यादा छेड़ता रहता है और बहुत ज़्यादा करंट के अंदर हाथ मारता है, और बस इसका यही इरादा होता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ बस, क्योंकि हम लोग इसके पीछे पीछे रहते हैं, कभी ये चले जाते हैं कभी मैं इसको बचाते ही रहते हैं कि ये उसको संभाल लें किसी तरीके। और आप सब दुआ करें मेरी मिर्चें ठीक हो जाएं जो अभी तक लगी तो आपको नहीं खानी चाहिए थी ना हरी मिर्चें, कौन कह रहा था आपको कि आप खाओ? मैंने खाई नहीं थी, मेरे मुंह में आ गई थी खुद। नहीं, आपने खुद खाई। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग, आप सब लोगों ने हमें बताना है। तो मिलते हैं फिर कल अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।